समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और शीतलहर की गिरफ्त में है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में कोहरे का कहर जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधी आबादी की आज की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। देश की आधी आबादी को आगे लाए बिना देश को आगे ले जाने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। ऐसे में सोचिए, जहां आधी आबादी के लिए नीतियां बनाई जा रही हों, वहीं अगर उनकी भागीदारी ना हो तो क्या होगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि संसद में भी महिलाओं की भागीदारी हो। अभी भी संसद के दोनों सदनों में महिलाएं मौजूद हैं और महिलाओं को आगे लाने पर बहस भी की जाती है, लेकिन आज तक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। अगर मौजूदा बिल के हिसाब से आरक्षण मिल जाता तो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। इस बिल पर समाज दो वर्गों में बटा नजर आता है, तो क्या कहते हैं ये वर्ग, क्या है आरक्षण की ये पूरी गुत्थी, ये आज का हमारा खास पेशकश पर ही हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि किस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है इस पूरे बिल को लेकर। तो महिला आरक्षण से जुड़े हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान नोएडा से हमारे साथ हैं डॉक्टर जकिया अख्तर, सामाजिक विश्लेषक है आप, स्वागत है आपका। और दोबारा एक और हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर अलका दीक्षित, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। बहरहाल, महिलाएं पिछले कई दशकों से अपने दम पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 15वीं लोकसभा में 62 महिला सांसद हैं, तो वही राज्यसभा में 28 महिला प्रतिनिधि कर रही हैं। और आरक्षण मिलने के बाद शायद तस्वीर दूसरी होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर कहां से हुई शुरुआत महिला आरक्षण बिल की, किसने की थी इस बिल के लिए पहल और इस बिल को लेकर अभी क्या मौजूदा हालात हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के हक की लड़ाई का इतिहास काफी पुराना है। महात्मा गांधी की कोशिशों से पहली बार देश की महिलाएं घर की दहलीज को लांघकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी थी। आजादी की लड़ाई में महिलाओं के अहम रोल के बाद देश के विकास में भी महिलाओं के एम्पावरमेंट की जरूरत महसूस की जाने लगी। यहीं से शुरुआत हुई समाज शासन के हर तबके में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की। राजनीति में महिलाओं का दखल पहले से था, लेकिन राजनीति में हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुई। इसके लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया जो महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देता। इसका मतलब था कि संसद और विधानसभा की कुछ सीटों पर महिलाएं ही जगह बना पाती। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। इसके लिए संविधान में 108वां संशोधन करना प्रस्तावित है। राज्यसभा में संविधान के 108वें संशोधन के विधेयक या वुमेन रिजर्वेशन बिल विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में अभी तक इस बिल पर वोटिंग नहीं हो पाई है। समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल इस बिल के विरोध में हैं। महिला आरक्षण बिल पिछले 17 साल से अटका पड़ा है। पहली बार 1996 में इस बिल को लाने की बात उठी थी। 2010 में इस बिल को लेकर पहली कामयाबी मिली थी जब राज्यसभा में बिल संबंधी 108वें संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। महिला आरक्षण बिल को लेकर समाज दो वर्गों में बटा नजर आता है। एक वर्ग है जो ये दलील देता है कि क्या वाकई आज के दौर में महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। जब हम ये दावा करते हैं कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं, वहीं इस बिल का विरोध करने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इससे गांव की महिलाओं को फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर इस बिल के पक्ष में खड़ा वर्ग ये तर्क देता है कि भारत जैसे देश में समाज की बेहतरी के लिए महिलाओं का हर क्षेत्र में आगे आना जरूरी है। हालांकि ये एक ऐसी बहस है जिसका शायद कोई अंत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं महिला आरक्षण बिल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
कई राज्यों में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने पर संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। बिल आने पर संसद और विधानसभाओं में कुल सीटों से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बिल समर्थक इसे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जरूरी मानते हैं। तो बिल विरोधियों की दलील ये है कि इससे सिर्फ संपन्न परिवारों की महिलाओं को फायदा होगा। तो पंचायत में 50% आरक्षण लागू होने से वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पंचायत में ज्यादा महिलाओं के आने से जमीनी स्तर पर सुधार देखा गया, तो राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ी। कोशिश इस बिल के जरिए ये हो रही है कि आखिर समाज के हर वर्ग की महिलाएं अपनी भागीदारी दे सके राजनीति में भी। तो नोएडा से तो मेरे साथ खास मेहमान है ही हैं, डॉक्टर जकिया अख्तर, सामाजिक विश्लेषक हैं आप, और कानपुर से डॉक्टर अलका दीक्षित, प्रोफेसर हैं आप हमारे साथ, वो भी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं इस चर्चा में। अलका जी, स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं नोएडा का। सबसे पहले जकिया जी, सवाल आपसे मेरा ये, 17 साल हो चुके हैं, बिल अभी भी लटका हुआ है। भले ही राज्यसभा में ये पास हो चुका है लेकिन लोकसभा में अभी भी अटका हुआ है। 17 साल हो चुके हैं, जिस चीज की जरूरत 17 साल पहले दिखाई गई थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या लगता है, क्यों नहीं ये बिल एक सफल रूप या एक कामयाब रूप ले पाया? देखिये, जब हम बात करते हैं महिला आरक्षण की तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण एक बहुत जरूरी और एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। दूसरी चीज ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब संविधान ने हमें अनुच्छेद 14 और 18 के अंतर्गत पुरुष और महिला को बराबरी का हक दिया है, तब हम इस तरह के बिल को कब तक टाल सकते हैं, कब तक नकार सकते हैं? देखिए, 17 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छी पहल नहीं हुई है इस बीच में, और ये भी हम जानते हैं कि लोकसभा में पारित नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे अभी लोकपाल बिल के साथ हुआ कि राहुल गांधी ने उसके लिए आवाज उठाई, लेकिन वो चाहते तो इस बिल को भी आगे ला सकते थे, इसके लिए भी काम कर सकते थे, जो कि नहीं हो पाया। तो कोशिश जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये बिल पारित हो सके। हालांकि अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्कों की, जहां पे जब हम देखते हैं कि भारत एक बहुत ही शर्मनाक हालात में है, कि पाकिस्तान में, आप सोचेंगे पाकिस्तान में, नेपाल में, यहां तक के इराक में भी संसद में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले। जितने भी विकसित देश है उनको तो हम छोड़ ही दें। जी जी, तो जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित होने की बात करते हैं, तब हम महिलाओं को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यानी महिलाओं को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं, उनकी भागीदारी को क्यों नहीं आगे बढ़ाने की कोशिशें हो पा रही है, क्यों अटका रहा आखिर वुमेन रिजर्वेशन बिल? हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त कानपुर से हैं, डॉक्टर अलका दीक्षित। डॉक्टर अलका, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर जकिया भी कह रही हैं कि आखिर अगर हर जगह पे महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, तो आखिर क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, यानी कि दो तरह की विचारधाराएं यहां पर क्यों देखने को मिलती हैं? क्या लगता है आपको, राजनीति में वो लेवल जितना होना चाहिए था महिलाओं का, वो क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे तो लगता है कि संदर्भ में हमारा जो अभी नजरिया है, खासतौर से जो हमारे राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें कुछ तो महिलाओं से खतरा भी महसूस हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि महिलाएं हमसे बेहतर काम करेंगी। जैसा हमारे एक मशहूर राजनीतिक है जिन्होंने पहले कहा भी था कि कुछ समय बाद ऐसा होगा, अगर हम 1/3 रिजर्वेशन दे देंगे तो 2 इलेक्शन के बाद किसी भी सीट में कोई पुरुष राजनीतिज्ञ नहीं होगा। तो उनको लग रहा है कि महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं, तो अगर हम उन्हें सीट दे देंगे तो अगर उनसे पूछे कि कुछ समय के बाद क्यों ऐसा होगा
कि सारी सीटों पर महिलाएं हों। बात तो ये है कि अगर हम रोटेशन वाइज करेंगे तो एक तिहाई सीट एक बार होगी, फिर उसके एक तिहाई अगली बार होगी, वन थर्ड उसके अगले बार होगी, तो वन थर्ड ही तो रहेगा। अब अगर कोई राजनीतिक दल किसी सीट पर किसी महिला को रिपीट करता है तो इसका मतलब है कि उसका काम अच्छा है, जनता में उसकी छवि अच्छी है, उसका डिमांड है, तभी तो राजनीतिक दल रिपीट करेगा। तो एक तो हम, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी है, और कहीं ना कहीं इसमें यह भय है कि उनको स्थान कम हो जाएंगे या अवसर कम हो जाएंगे जी। और दूसरा मुझे यह भी लगता है कि अभी हमारे समाज में अभी भी जो लोगों का नजरिया है, क्योंकि महिलाएं आप अगर इन जनरल देखें तो उन्हें इसमें रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता कि हाँ हम आगे आए या लोगों को अधिकार मिले। कई बार क्या होता है कि हमारे जब आप देखिए इलेक्शंस आते हैं, वोट आते हैं, तो बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है महिलाओं को बाहर लाने के लिए। तो नहीं, लेकिन इस बार तो ये खास देखने को मिला है, अगर हम देखें अभी जो विधानसभा चुनाव हुए अलका जी, तो इसमें वाकई ये बहुत अच्छी बात और एक खास बात देखने को मिली है कि महिलाएं खुद निकल कर आ रही हैं, वो खुद दिलचस्पी ले रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अभी समझ रही हैं, और ये परिवर्तन मुझे लगता है कि जैसे पंचायतों में महिलाओं को पहले 33% आरक्षण दिया गया था ग्राम पंचायतों में, फिर इस आरक्षण को 50% आरक्षण करने की बात की गई, तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, उसका भले कितनी भी आलोचना की जाए लेकिन उसके कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम हमें तमाम क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसका प्रभाव हो सकता है, तो जागरूकता तो आएगी। लेकिन अगर हम संसद और राजनीतिज्ञों के स्तर पर करें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। ज़किया जी, एक बात यहाँ पर अगर हम पंचायतों की तरफ देखें तो पंचायतों में 50% रिजर्वेशन का जो एक रूल है, 50% आरक्षण लागू हो गया है, और इसके होने से वोटिंग में महिलाओं को भागीदारी भी उनकी बढ़ रही है, और एक तरह से देखें तो ज्यादातर महिलाओं के आने से जमीनी स्तर पर भी सुधार हो रहा है। तो अगर पंचायत में इस तरह का सुधार देखने को मिल रहा है, तो अगर देश की राजनीति में भी महिलाओं की एक भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाती है, यानी कि परसेंटेज रेशियो फिक्स हो जाता है, तो लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। देखिए, बदलाव के कई सारे नजरिए भी हो सकते हैं और कई सारे लेवल्स पे भी होता है बदलाव। सिर्फ एक भागीदारी से, संसद में भागीदारी से आप बदलाव को सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको जुटानी पड़ेंगी। और भी देखिए, जहां आपने अभी बात की कि संसद के पंचायतों में 33% भी है, 50% तक भी है कहीं कहीं पे किसी राज्यों में, लेकिन संसद में क्यों नहीं आ पा रही है महिलाएं, संसद में क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है उनको आने का। एक तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, जो मैं मानती हूं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है हमारी, अभी भी आप देखेंगे कि जब हम शहरों में देखते हैं कि महिलाएं ऊपर आ रही हैं, तब भी उन्हीं घरों में, शहरों के उन्हीं घरों में किसी ना किसी लेवल पे उनका शोषण भी हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी पूरी तरह से अभी परिपक्व नहीं हो पाई है, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि औरतें संसद में आगे बढ़ के आएं, क्योंकि पंचायत तक तो ठीक था लेकिन अब उन्हें अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। जी जी। तो हम इस बिल को कुछ दिनों तक टाल तो सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल आगे हम भी उठा रहे हैं कि आखिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस राय को लेकर दो जो मत बने हुए हैं, जो वो मत क्या कहते हैं, समाज के जो दो अलग वर्ग है वो किस तरीके से इन मुद्दों को लेते हैं और उनकी क्या सोच है, क्या एक सोच को बदलने की जरूरत है, एक नई पहल की जरूरत है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स, सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा, सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर, देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला लखनऊ से लाल किला, यूपी डिसाइड 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर, देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कोई भी बिगाड़ नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कारखाना ना कोई फैक्ट्री। तो हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं 17 साल से लटके वुमेन रिजर्वेशन पर। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ, नोएडा से डॉक्टर जाकिया अख्तर हैं और कानपुर से डॉक्टर अलका दीक्षित हैं। डॉक्टर अलका, आपका भी रुख करना चाह रही हूं, सवाल ये करना चाहती हूं कि जिस तरह से अगर हम देखें अभी एक रेशियो की अगर हम बात करें तो 15वीं लोकसभा में 62 महिलाएं संसद में हैं, राज्यसभा में 28 महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन किस तरीके से आवाज उठाई जाए कि राज्यसभा से जो बिल पास हो चुका है लोकसभा में भी वो बिल पास हो जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक संगठित हमारे जो राजनीतिक, जैसे अभी बात आई थी बीच में तो कुछ राजनीतिक दलों ने यह सुझाव दिया कि टिकट वितरण में अनिवार्यता कर दी जाए कि जो भी राजनीतिक दल है वो अपने 1/3 सीटें जरूर दें महिलाओं को, लेकिन मुझे लगता है कि ये कारगर उपाय नहीं है क्योंकि 1/3 सीटें अगर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई तो वो कहीं न जीतने वाली सीटें भी हो सकती है या ऐसा। तो तरीका तो वही है कि संसद में वो पास हो। अब पास होने के लिए कहीं ना कहीं संगठन की आवश्यकता होती है कि हाँ भाई उनसे डिमांड रखी जाए, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना तो ये संभव नहीं है, कैसे भी संभव नहीं है। जी जी, अब हमारे दलों को कैसे बाध्य किया जाए, अब इसके लिए जैसे अभी आप देखिए मतदान प्रतिशत को लेकर के लगातार चिंता होती थी, लेकिन इस बार के जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें अच्छे रुझान आए हैं कि मतदान प्रतिशत अच्छा बना है। तो इसी तरह से अगर हम बहुत सारे जो हमारे संगठन है जो ये काम कर भी रहे हैं उसे और बड़े लेवल पर पूरे देश के स्तर पर करें तो शायद हमारे राजनीतिक दल, या अगर उन्हें वोट की चिंता हो जाए कि हाँ महिला वोट का परसेंटेज जब बढ़ेगा और उन्हें ये लगेगा कि नहीं अगर हम महिलाओं को वो देंगे तो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आएगा। डॉक्टर अलका बनी रहिए। डॉक्टर जकिया, सवाल ये भी आपसे है कि महिलाओं का चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, उनके विकास का मुद्दा हो, क्या ऐसा नहीं लगता कि मुद्दों को उठाया तो बहुत तेजी के साथ जाता है लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज और उन्हीं मुद्दों को धीरे धीरे उनकी आवाज दबती चली जाती है या वो एक सही रूप नहीं ले पाते हैं, एक तरह से उनकी एक सफल कहानी नहीं हो पाती है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, उन्हीं को जब जरूरत होती है तो वो मुद्दों को उठाते हैं, जब उनको ये लगता है कि अब हम आ चुके हैं पार में तो वो फिर उस पर काम करना बंद कर देते हैं। तो हम ये ना भूलें कि किसी भी चीज की कमी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम बिल लाने की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि उससे क्या क्या चीजें और बनेंगी या बेहतर होंगी, जैसे औरतों की एजुकेशन अच्छी होगी, साक्षरता, दूसरी चीज उनको सिक्योरिटी हम
की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि जब संसद में उनका आने की बात होगी तब वहां पे भी तो लोग बोलेंगे, वहां पे भी तो महिलाएं बोलेंगी कि हमें अपनी औरतों के लिए या अपने देश की औरतों के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी हेल्थ की बात होगी, बहुत सारी चीजें इस तरह से आगे आने लगेंगी, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो तूल पकड़ने लगेंगे और चीजें बेहतर होने लगेंगी। ये बात है, बिल्कुल ये एक सोच हमें शायद रखनी पड़ेगी कि कोई भी चीज अगर शुरुआत की जा रही है तो उसको एक अंजाम तक, एक अच्छे अंजाम तक उसे शुरू तो किया जाए, उसे लाया तो जाए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले लाने की कोशिश तो की जाए, एक कोशिश हो चुकी है, राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, इंतजार लोकसभा में भी पास होने का है। बहरहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी में बस इतना ही। तो इस वक्त एक बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है। यहां पर प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। छात्रों ने करनैलगंज के सीओ की गाड़ी फूंक दी है। छात्र लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। छात्रों ने करनैलगंज के सीओ की गाड़ी फूंक दी है। सुबह से ही ये उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। छात्र राज्य लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इलाहाबाद से दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। दिनेश, आखिर अभी जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो तो ये दिखा रही हैं हालात बहुत चिंताजनक है, कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें हो रही हैं? जी देखिए, अभी दो कंपनी पीएससी की अलग से बुलाई गई हैं और उस सारे इलाके को जहाँ पर पूरा बवाल चल रहा है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि वो सारा इलाका घनी बस्ती का इलाका है, पॉश इलाका है, जहाँ पर ज्यादातर जेंट्री गुजरती है वहां से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर हॉस्टल के अंदर जो लोग छात्र घुसे हुए हैं वहां भी पुलिस रेड कर रही है, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। पूरे इलाके में अभी भी तनाव जारी है, रू रू कर छात्र और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से पथराव हो रहा है, पथराव चल रहा है। एक पुलिस की गाड़ी को चला दिया गया है और बाकी जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर ही पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं जो हंगामा कर रहे हैं? देखिए, 3,000 से 4,000 के आसपास प्रतियोगी छात्र हैं जो वहाँ पर मौके में मौजूद हैं। और अब तो क्योंकि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद वो अलग अलग जगह छिपे हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो गुरुला लड़ाई की स्थिति होती है उसी तरीके से ये लोग पुलिस और छात्रों के बीच में इस समय चल रही है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद से, जहां पर प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। छात्रों ने करनैलगंज के सीओ की गाड़ी फूंक दी है। छात्र लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ये छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 3,000 से 4,000 की संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और इनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने लाठियां तक भांजी है, लेकिन अभी भी इनका प्रदर्शन शांत नहीं हुआ है। तो जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। करनैलगंज के सीओ की ये गाड़ी है जिसे फूंक दिया गया। तो ये छात्र राज्य लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस्ड लो स्मोक कॉइल। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके, मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है? सॉरी, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा। तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिससे नाराज छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया है और गाड़ी में आग भी लगा दी है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। छात्र लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस और BGYM कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश में लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाए जाने को लेकर आज शाम अधिकारियों की अहम बैठक है। गृह विभाग और परिवहन विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश को लेकर यह बैठक होगी। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बहुमत साबित करेंगे। शाम 5 बजे इस पर वोटिंग होगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया। वाराणसी में एक नाबालिग छात्र ने अपने 2 टीचर्स पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप शीतलदास बड़ा अखाड़ा ट्रस्ट के शिक्षकों पर लगा है, तो वहीं आश्रम प्रबंधन पीड़ित छात्र पर ही चोरी का आरोप लगा है। केंद्रीय कैबिनेट नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकती है। जल संसाधन मंत्री हरीश रावत आज ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में केन और बेतवा नदी को जोड़ने की योजना है। इस योजना से पानी की समस्या को कम किया जा सकता है। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और शीतलहर की गिरफ्त में है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में कोहरे का कहर जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी ने अमेरिका की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 3 राज्यों में सड़क यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं शिकागो में सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। नमस्कार।
नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपाधि गुलाटी। साल 2014 में सभी बड़े स्टार्स हैं अपनी मेगा बजट फिल्मों के साथ टोटली तैयार। साल 2014 में शाहरुख जहां सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहते नजर आएंगे, वहीं